So this will be the last lecture of differentiation, right? So कुछ यू नो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट टॉपिक है और रहने टाइटल नंबर क्या रहेगा इसका? Derivative of determinants. Yes, हम determinants को derive कर सकते हैं provided determinants में variable होते हैं, है ना? अगर if determinant has a variable, then we would actually derive it. ठीक है? कैसे derive करते हैं? You know, say for example we have a determinant, say phi of x, say which is given by say f1 of x, f2 of x, f3 of x, g1 of x, g2 of x, g3 of x, and h1 of x, h2 of x, h3 of x. तो ये सब क्या है? ये सब कौन है? f1, f2, f3 वगैरह कौन है? ये सब functions है ना? These are all functions. ये सारे functions हैं. So when you derive determinants, what do we get? Phi dash of x. You see, could you guess how you derive determinant? एक तो simple सा guess हो सकता है, सभी को derive कर डालो. Simple सा guess. Derive all the functions inside the determinant. Or, what do you think we'll have to do? Guess. Very good. It is like UVW kind of. हम एक को derive करते हैं. अच्छा, एक को का मतलब कि रो क्या वो कॉलम या कुछ भी? एग्जैक्टली माने अगर आपने अलोंग फर्स्ट रो डिराइव किया है, मान लो f1 डैश ऑफ x, f2 डैश ऑफ x, f3 डैश ऑफ x, तो बाकी के वैसे ही वैसे द अदर टू रिमेन सेम। और आपने नोटिस किया है यहां हमने डिराइव किया था अलोंग रो, ठीक है? ये डिटरमिनेंट आएगा। दूसरा डिटरमिनेंट, अच्छा ये देखिए, ये f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश, यहाँ g1, g2, g3, f1, f2, f3। अब यहाँ ऊपर का सेम रहेगा। इसको क्वेश्चन ये देखो, ये वाला f1, f2, f3 ऑफ x, ये वैसे की वैसे। अभी नीचे वाला, बीच वाला डिराइव होगा g डैश ऑफ x, g2 डैश ऑफ x, g3 डैश ऑफ x, ऑफ कोर्स रिमेन्स सेम। नाउ थर्ड डिटरमिनेंट में पहले के फर्स्ट टू रोस रिमेन सेम, अलोंग थर्ड रो हम डिराइव करेंगे, माने h1 डैश ऑफ x, h2 डैश ऑफ x एंड h3 डैश ऑफ x। सिंपल। एंड आईड लाइक यू टू राइट अनदर यू सी अलोंग कॉलम, आपको एक और लिखना है, ठीक है? फाइव डैश ऑफ x। तो हाउ डू डिराइव अलोंग कॉलम, व्हाट वुड यू डू? फर्स्ट कॉलम डिराइव होगा, बाकी दोनों सेम। नेक्स्ट केस में सेकंड, पहले के फर्स्ट और थर्ड रिमेन्स सेम। थर्ड केस में थर्ड डिराइव होगा, फर्स्ट एंड सेकंड रिमेन्स सेम। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? Now you see, so how will you identify ki whether to derive with respect to derive along rows ki along columns? How do we know? Question pe depend karta hai, hai na? So guys, do not just blindly derive, understand the question and then you know decide appropriately ki along row karna hai ki along column karna hai, theek hai? चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि अलोंग रो करना है कि अलोंग कॉलम, राइट? प्रोबेबली दे लास्ट यू टू फाइंड फाइव डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं,
तो डिराइव करने के बाद हम एक्स की जगह जो भी वैल्यू पूछा गया है वो डालते हैं। अच्छा इसका ठीक है, ये तो है ही शॉर्टकट वगैरह जो भी, व्हाट इज द बेसिक, सबसे बेसिक मेथड क्या है? सिंपल है ना। तो गाइस रिमेंबर, अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं भी हुआ ना, तो गाइस रिमेंबर ये डिटरमिनेंट है, आप डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, या आप डिटरमिनेंट को डायरेक्ट ब्लाइंडली एक्सपैंड करके भी डिराइव कर सकते हो, है ना, वो भी अपने पास ऑप्शंस है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपको इसको एक्सपैंड करके ही करना है ना, तो आप उसको नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करे तो मे बी सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स बिकम जीरोस, मे बी। अच्छा कोई डिटरमिनेंट जीरो कब होता है कुछ? वेरी गुड गाइस, रिमेंबर कि कोई दो रोस या कोई दो, सॉरी, कोई दो रोस या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो जीरो, या स्केलर मल्टीपल रहा तो भी जीरो, क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं, वी टेक कॉमन अलोंग द रो या अलोंग द कॉलम, है ना, या अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो गया तो भी वो तो ऑब्वियसली है ना, वो तो है ही। आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन, राइट ऑन, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिटरमिनेंट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x² 0 2 6x, देन एफ डैश ऑफ एक्स इज हाउ मच? f of x is equal to 3, 2, 1, 6x square, 2x cube, x raised to 4, 1a square. Then f dash of a is equal to, f of x is equal to x plus a square, ab xc, AB x plus b square, BC है, पहले ये तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल सी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइस आप एफ ऑफ एक्स को एक्सपेंड करके भी आप उसको डिराइव कर सकते हैं, है ना, नॉट एन इश्यू, लेकिन आई वुड रादर डिराइव द डिटरमिनेंट फर्स्ट, देन यू सी आई वुड फाइंड एक्सपेंड और डू समथिंग। नाउ पहली बात, क्या अगर हम डिराइव करना चाहते तो अलोंग रोस की अलोंग कॉलम्स रो, व्हाई इज इट सो? यस, यदि जब हम इसको अलोंग रो करते हैं तो पहला इसका जो डेरिवेटिव है, पहला रो का डेरिवेटिव गिव्स यू 1, वो इसके साथ आइडेंटिकल हो रहा है, ऑसम, है ना, तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बिकम्स आइडेंटिकल विद सेकंड रो, वो तो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। चलो फटाफट एक बार डेराइव कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। डिटरमिनेंट, तीन डिटरमिनेंट्स होते हैं ना, एक दो और तीन, सही है। अच्छा पहला डिटरमिनेंट है, रिमेंबर वी डिराइविंग अलोंग रूल्स, है ना। चलो एक्स का 1 x² का 2x, एक्स क्यूब का 3x², रिमेंबर वाई सेकेंड एंड थर्ड रिमेन्स सेम। अब यहां हम सेकेंड को डिराइव करते हैं 0 2 6x, यहां हम थर्ड को करते हैं 0 0 6, फर्स्ट एंड ये रिमेन्स एज इट इज, राइट। तो गाइस क्लियरली यू सी यहाँ फर्स्ट और सेकेंड रो आइडेंटिकल है तो जीरो, यहाँ सेकेंड और थर्ड आइडेंटिकल है जीरो, हाँ, तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करें अलोंग बी, शुड बी एक्सपेंड क्लियरली, तो क्योंकि जीरो जीरो है। तो गाइस रिमेंबर प्लस की माइनस, रिमेंबर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली, ये वाला प्लस होता है, राइट। तो 6 इंटू रो कॉमन
कॉलम डिलीट्स, x इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर इज 6x2। इजी भी डिफिकल्ट चलो आधे सेकेंड में। अच्छा सेकेंड इज प्रिटी ऑब्वियस, प्रिटी प्रिटी ऑब्वियस। तो टेल मी डू वी डेरिव अलोंग रोज की कॉलम्स, कॉलम्स ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप क्योंकि फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम कॉन्स्टेंट है और जो भी वेरिएबल है अलोंग सेकेंड कॉलम है, तो क्लियरली क्या हम एक दो तीन लिखे नहीं, तो पहले वाला ऑटोमेटिकली जीरो है, सिर्फ जो सेकेंड वाला जो होगा ना सिर्फ वही लिखे थे डेराइव द सेकेंड वन। ठीक है तो गाइस आई होप कि समझ में आ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वी गोना डेराइव अलोंग कॉलम्स एंड व्हेन वी डेराइव फर्स्ट कॉलम एनी वे जीरो 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 होगा तो वो जीरो डिटरमिनेंट होगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा जीरो प्लस सेकेंड वाला डेराइव करेंगे और थर्ड वाला ऑटोमेटिकली जीरो। ठीक है अच्छा तो थ्री टू वन वन ए ए स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव टू एल एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब। उन्होंने क्या पूछा एफ सॉरी ये एफ डबल डैश ऑफ ए है गाइस, मेक इट एफ डबल डैश ऑफ ए। अच्छा इसको फिर से डिराइव करना है, सेम पता अगेन इसको एक और बार डिराइव करना है। ठीक है डिराइव कर लेते हैं, सो यू सी सेम फंडा डिराइव अगेन अलोंग कॉलम्स राइट, अगेन यू सी इसके मतलब ये जीरो नहीं है। इसको जब दोबारा डिराइव करें अगेन यू सी फर्स्ट वाला जीरो, सेकेंड वाला वी हैव टू फाइंड, थर्ड वाला अगेन जीरो, फर्स्ट का जीरो 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 और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। तो थ्री टू वन वन ए ए स्क्वायर वैसे ही वैसे, ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व एक्स ये वाला ट्वेल्व एक्स स्क्वायर करेक्ट सही है। अभी उन्होंने पूछा एफ डबल डैश ऑफ ए, अभी एक्सपीडी का क्या डालना है अपने को ए डालना है। तो थ्री टू वन ट्वेल्व ट्वेल्व ए ट्वेल्व ए स्क्वायर वन ए ए स्क्वायर। डिड यू नोटिस समथिंग हियर, कैन यू टेक ट्वेल्व कॉमन है ना, तो ये वन होगा ये वन ए ये ए स्क्वायर, तो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, सो आंसर इज सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला आप कर लोगे ठीक है, कैसे करना है ये आपको बता दूंगा और आप लोग आप भी बता दो वो डे भी मिला दो अलोंग रोज की अलोंग कॉलम्स और मे बी डजेंट मेक एनी डिफरेंस मे बी, है ना। और ही आस्क्स अस टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, सो टेल मी व्हाट डू वी हैव टू डू, रोज की कॉलम्स कुछ भी है ना, क्योंकि जो भी है वो अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स है, तो आप अलोंग कॉलम करो या अलोंग रो करो फर्क नहीं पड़ता। डिराइव करके एक्सपेंड करिए तो बेस्ट है यहाँ, क्यों, क्योंकि ये सारे क्या हो जाएंगे हाँ जीरो हो जाएंगे। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, यू नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, सो गाइस बेस्ट इज की डिराइव करो फिर एक्सपेंड करो। यू कैन डिराइव अलोंग रोज या अलोंग कॉलम्स, तो आप लोग को मैं आंसर दे दूंगा ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर शुड कम आउट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गाइस प्लीज वेरीफाई दिस, और शायद से कल वाला इसमें ना देयर वेर यू नो सम मिस्टेक्स इन सर्टेन क्वेश्चंस, कौन से इसमें था वो एक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस है ना, टॉपिक नंबर क्या था वो ये 15 है क्या, ये 15 है, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन वाज द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस्ड। अच्छा उसमें कौन सा क्वेश्चन, गाइस डेरिवेटिव उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो e का पावर था, तो प्लीज स्ट्राइक ऑफ e, है ना, आपको e को हटाना है। अगर e होता, अगर e होता उसके लिए गाइस कंसीडर दिस क्वेश्चन g डैश ऑफ 1, अगर e होता कंसीडर g डैश ऑफ 1, e होता तो ऑफ कोर्स 1 कब होगा जब e का पावर उस क्वेश्चन के लिए 0, तो द क्वेश्चन इज सेम एज g डैश ऑफ f ऑफ 0 है ना, तो आप जानते हो इसका मतलब 1 अपॉन f डैश ऑफ 0 है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस
और एक और क्वेश्चन था हायर ऑर्डर में, है ना, हायर ऑर्डर में भी था। कौन सा क्वेश्चन था वो? बस हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर मतलब टॉपिक नंबर 13। तो गाइस टॉपिक नंबर 13 में भी एक एक इसमें ये था, कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें क्या होना चाहिए था? इक्वल टू 0। एलएचएस में क्या था? 1 प्लस प्लस माइनस का। शुड हैव बीन इक्वल टू 0। तो गाइस प्लीज मेक दिस करेक्शन, ठीक है? टॉपिक 13 का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? Right. Check whether you're getting the same answer or not. एक ही बार डिवाइड करना है तुमको, है ना? बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे शायद से, इज इट? मैंने ये सब जीरो, तो प्रॉब्ली एक्सपेंशन वुडन बी डिफिकल्ट आई गेस। आया क्या आंसर? These were certain, you know, some of those limits questions, I guess. Question number 4, right? Some, you know, very interesting questions. I can answer. Okay, nice. Okay. I think question number 4. Okay. Now you see, like according to the question, we have something like limit as extending to 0. Pura determinant. F of x matlab pura determinant hai. Upon mein hai x square. ठीक है?
तो इसी क्लियरली क्या x कॉमन है निकलेगा बाहर, एक x कॉमन निकलेगा राइट एंगल, इसका मतलब नीचे में एक्चुअली सिर्फ एक x है, और डिटरमिनेंट में जो है वी हैव समथिंग लाइक sin x, cos x, tan x, एंड दिस इज सिंपली 3 x स्क्वायर है, और x स्क्वायर x बनेगा और वो 1 है, सही है, and then we have 2x 1 1 correct, is this what we have, right, so we have noticed ki we can take x common liya to x square wala x se ek x katega, now you see ek choice hai, dekhiye guys aapke paas obvious choice ye hai ki aap expand karke kar sakte ho, not an issue, but to solve this you know in real quick time you'll have to make use of properties of determinant, to pehli baat कि यहाँ डेरिवेटिव का क्या रूल है, वेयर इज द रूल ऑफ डेरिवेटिव, सिंपल x 0 डालने पर नीचे वाला 0 हो रहा है, क्या ये 0 हो गया, चेक करें 0 0 0 तो एंटायर फर्स्ट कॉलम इज 0, सो देयरफॉर 0 बाय 0 फॉर्म में जरूर है लॉपिटल, वेरी गुड, सिंपली लॉपिटल, लॉपिटल करने से नीचे वाला तो डायरेक्ट 1 है, नीचे वाला का कोई टेंशन नहीं, नीचे वाला डायरेक्ट 1, अब आते हैं ऊपर में, आपको क्या लगता है कि डू वी हैव टू डिराइव अलोंग कॉलम के रो गुणे के, अगर हम अलोंग रो करते हैं तो शायद से x स्क्वायर का 2x, x का 1 और 1 का 0 हो सकता था, लेकिन क्या कि ये आइडेंटिकल होने से प्रॉब्ली कुछ फायदा होगा, मे बी यदि कॉलम से करने से कुछ फायदा होगा कि देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स हो रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x होना चाहिए था और 2x का 2, अरे यहाँ 2 होता तो हो जाता, so what do you think will have to derive along first, I mean along rows की column, what do you say, ultimately फर्क पड़ता है, अरे हाँ derive करने के बाद हम exponent क्या डालने वाले हैं, हाँ उसके हिसाब से सोचेंगे, जब इसको हमने derive किया cos x की जगह यहाँ क्या आने वाला है और यहाँ और यहाँ 0, तो ये 0 होगा ये 0 होगा, मैंने शायद से अलोंग कॉलम करने से बेटर है ना, तो गाइस लेट्स डिराइव अलोंग कॉलम, ठीक है चलो इसको डिराइव करते हैं, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, दिस रिमेन सेम कॉस एक्स टैन एक्स, एक्स 1 1 1 करेक्ट, प्लस व्हाट अबाउट सेकंड डिटरमिनेंट, साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x, अरे इंटरेस्टिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वाह वाह वाह, आई समझ में, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओह ऑसम, कि इसकी कोई जरूरत है गाइस, आपको ना इसको डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इवेंचुअली वी गोना पुट x 0, तो ये ऑब्वियसली 0 होने वाला है, और थर्ड डिटरमिनेंट में भी फर्स्ट कॉलम इज, हां या हम थर्ड को डिराइव करते हैं, हमने फर्स्ट को डिराइव किया कीपिंग दिस टू कांस्टेंट, दिस टू कांस्टेंट सेकंड को डिराइव किया, कीपिंग फर्स्ट एंड सेकंड कांस्टेंट, थर्ड को डिराइव किया, लेकिन बात ये है कि x की जगह 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट कॉलम, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, तो क्लियरली वी सिंपली पुट 0 हियर, 1 0 2 1 0 1 tan 0 0 1 1, दैट्स इट, दिस शुड गिव अस द आंसर, अलोंग थर्ड एक्सपेंड करें, सॉरी अलोंग सेकंड रो एक्सपेंड करें, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 इनटू 1 माइनस 2, माइनस 1 इनटू माइनस 1 आंसर इज, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग इज इट, ओके सो अच्छा, तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंड करके करने बेटर होगा कि दिस वाज बेटर, क्या इसमें थोड़ा सा समय लगता है, मैंने कहा समय लगेगा कि सोचने में कि एलॉन्ग रो बेटर कि एलॉन्ग कॉलम, तो अभी आपने वो समझ में आ गया, तो आपको ना ये लिमिट का भी इस्तेमाल करना होगा या आगे वाला स्टेप में क्या आने वाला है, अगर वो कर लेना बेस्ट है, तो ये बेस्ट है क्योंकि कितना एफर्ट लगा, एकदम लीस्ट एफर्ट, अगर आपको समझ में आ गया कि ये जीरो होने वाला है, वुड यू बी रेडी दिस वन, नो, बस मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगा, है ना, अभी आते फिफ्थ पे, फिफ्थ पे देखिए डायरेक्ट उसको क्या चाहिए, f डैश ऑफ x अपॉन x चाहिए उसको, अच्छा
अरे हाँ यहाँ तो इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है क्या? ओपन इनविटेशन है, वी हैव टू डिनाई फेलो ओबवियसली। तो पहले पहले ही आपको क्या निकालना है यहाँ? तो गाइस आपने लॉपिटल लगाया है यहाँ, यू हैवंट अप्लाइड लॉपिटल येट, वी नीड टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट, देन यहाँ यूज करेंगे हम, है ना? ठीक है, तो पहले ही आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो एंड वी आर डिराइविंग, फॉर दैट वी आर डिराइविंग अलोंग कॉलम्स, ठीक है? व्हाई डिड वी पिक कॉलम्स? क्योंकि सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव इज आइडेंटिकल टू थर्ड, इसके वजह से, ठीक है? तो और कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? कुछ बेनिफिट हो रहा? अच्छा, इसका डेरिवेटिव तो जीरो टू जीरो, डिराइव कर लेते हैं। फर्स्ट का रहेगा, सेकंड का रहेगा, थर्ड का जीरो हो जाएगा, सेकंड का जीरो हो जाएगा। कुछ होगा फायदा नहीं? ऐसे क्वेश्चंस में ना लगता है कि यार एक्सपेंड कर लो फिर दे कर लो, आई मीन समटाइम्स इट फील्स लाइक दैट, बट देखते हैं ना, क्योंकि अपन तो अभी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो फिर यू नो लेट्स मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना? पहले ही अपने को डिराइव करना है, राइट? लेट्स फाइंड दैट डैश ऑफ एक्स। वी हैव डिसाइडेड कि इट इज अलोंग कॉलम्स, व्हाई इज इट सो? व्हाई अलोंग कॉलम्स? क्योंकि गाइस हाँ, जब हम सेकंड को डिराइव करते हैं तो इसके साथ आइडेंटिकल हो रहा है, तो सेकंड का मैं डायरेक्ट जीरो लिख दूंगा, ठीक है? फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का कॉस का साइन, और ये टू कॉस, और ये सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट? एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन टू एक्स वन, करेक्ट? गाइस ये एफ डैश ऑफ एक्स कौन सा? कॉस का माइनस साइन, टू कॉस सेकेंड स्क्वायर। हाँ गाइस, दूसरा वाला जीरो, आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है? दूसरा वाला क्यों जीरो है? ऑलरेडी एक्सप्लेन है। अच्छा अब आते हैं तीसरा वाला, ये कॉस एक वैसे के वैसे, टू साइन एक्स टैन एक्स, ये भी वैसे के वैसे, और ये जीरो, ये टू, ये जीरो। गाइस बेसिकली ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ये होल डिवाइडेड बाय एक्स है, क्योंकि अपने को फाइंड क्या करना था, लिमिट एस एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन माय एक्स, ये फाइंड करना था अपने को, इसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियरली? अरे हाँ बढ़िया यार, एकदम क्या सेट किया मैंने क्वेश्चन, क्या समझ में आया अभी, क्या समझ में आया? जब हमने सेकेंड को डिराइव किया वो जीरो हो गया, फर्स्ट में थर्ड में एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर एक्स है, अभी नीचे में कौन है, इसका मतलब यहाँ से एक्स, एग्जैक्टली, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा, और यहाँ से भी एक्स कॉमन निकलेगा, और इसके साथ वो, इसके साथ वो, एंड वी कैन सिंपली पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म एलिमिनेट हो चुका है। गाइस यहाँ हम डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला डिटरमिनेंट जीरो, ये भी जीरो, नीचे भी जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में होगा, ठीक है? तो इसका मतलब नाउ वी एक्चुअली हैव, यू सी आपने एक्स कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ से भी एक्स कॉमन लिया, इसके साथ आपने कैंसिल आउट किया, है ना? तो एनीवे लिमिट अप्लाई करने से पहले एक और स्टेप लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स टू कॉस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स कॉमन लेने के बाद वन एक्स वन वन टू एक्स वन प्लस दूसरा डिटरमिनेंट कॉस एक्स टू साइन एक्स टेन एक्स, ये वन एक्स वन जीरो टू जीरो, नाउ वी कैन सिंपली पुट एक्स जीरो, तो ये जीरो टू वन वन जीरो वन वन जीरो वन, ऑसम, ये भी जीरो, क्यों? सेकेंड का वैल्यू, व्हाट अबाउट दिस वन, वन वन जीरो
0, 0, 2, 0, 1, 0. We just have to expand this one. And we'll expand along second. So, kitna aayega? Minus 2, hai na? Minus 2 into 1. सही है ना, लेकिन अपना एक आंसर तो माइनस वन आया था, माइनस टू कर दो एंड माइनस माइनस टू कर दो। हाँ शायद से माइनस टू आया था ना, हाँ एक का वन था, हाँ ठीक है, आई थिंक दिस इज करेक्ट। ठीक है तो गाइस एनीवे लाइक आई सेड यू नो यू शुड बी क्विक टू रियलाइज कि यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, इफ आई एबल टू रियलाइज दैट देन यू नो आई थिंक वी शुड बी इजी, दीज आर इजी क्वेश्चन है नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर। सो डायरेक्ट आ जाता है आंसर, एक्सपैंड अच्छा एक्सपैंड करो फिर डिराइव करो फिर लिमिट वाला फंडा हो जाता है। एनीवे फाइन चलो अब आगे सीखते हैं। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, कुछ दो तीन क्वेश्चन इसमें से एक करते हैं बाकी के होमवर्क। अच्छा सिक्स का व्हाट अबाउट सिक्स, हिज आंसर इज टू फाइन d2 y by dx square plus y. Now you might have noticed कि second और third already constant है, इसका मतलब हम उसको touch भी नहीं करेंगे, क्योंकि derive है only along first row. तो पहले क्या करते हैं, पहले हम derive करते हैं along first row, फिर आगे derive again first row, फिर उसको इसके साथ add. अरे हाँ कल वाला याद है, जब हम इसको साइन एक्स को डिराइव करते हैं वो बनेगा, फिर से डिराइव करते हैं वो बनेगा, तो ये क्या होने वाला है, अरे यार कितना टाइम बचेगा अपना, कॉस क्या होने वाला है उसका दूसरा डेरिवेटिव ये प्लस कॉस है, तो दिस इज अगेन जीरो। वाह व्हाट ए क्वेश्चन यार, और अल्टीमेटली यहाँ सिर्फ बचेगा और अरे नहीं वन भी नहीं बचेगा, लेकिन y वाला इसमें ये वन बचेगा, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर, वाओ ऑसम, इसका फाइनल आंसर अगर आप लोगों को समझ में आया तो 0 0 1 ये वैसे के वैसे एंड सिंपली एक्सपेंड इट ऑन फर्स्ट रो यू विल गेट द आंसर। वाह एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस आई लाइक यू टू ट्राई दिस आंसर होमवर्क, आई थिंक दिस इज वर्थ सॉल्विंग एज होमवर्क, है ना। तो फंडा क्या है कि एनीवे सेकंड और थर्ड तो कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ डिराइव करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, दो बार बैक टू बैक डिराइव करो, दो बार बैक टू बैक डिराइव करो, और ना वाई को वो डी टू वाई बाई डी एक्स पर जोड़ दो, उससे क्या होगा, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स पर में माइनस साइन एक्स आया होगा, ये माइनस कॉस एक्स आया होगा, ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया होगा, और अल्टीमेटली जब दोनों को एड करने पर अरे हाँ यहाँ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, तो गाइस व्हेन कैन वी क्लब टू डिटरमिनेंट्स, याद है हाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड दो डिटर्मिनेंट्स को क्लब करने के लिए जैसे कि यू वांट टू क्लब रोज फर्स्ट रो या सेकंड रो की थर्ड रो, बाकी के दो शुड बी हाँ कांस्टेंट होना चाहिए, हमने किस में किया था स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट में किया था याद है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं रिमेंबर आप सिर्फ कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही स्प्लिट कर सकते हो रिमेंबर, तो जब दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते वक्त गाइस रिमेंबर सेकंड रो थर्ड रो रिमेन सेम, वी आर ओनली गोइंग टू ऐड फर्स्ट रोज। ठीक है तो अगर किसी को डाउट होता तो प्लीज रेफर टू आर डिटरमिनेंट्स नोट्स, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी या एडिंग वाला प्रॉपर्टी में हमने किया था ये कवर किया था जरूर। कितना आंसर, सिक्स फाइनल आंसर इज ओनली सिक्स। अच्छा एक्सपेंड करने के क्या
the answer? Six. Exactly six. अरे हाँ 23 माइनस 17 अरे कितना अच्छा क्वेश्चन था ये यार दिस कुड बी यू नो दिस कुड बी अ टिपिकल व्हाट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन डोंट यू थिंक यू नो दिस कुड बी अ टिपिकल पोटेंशियल इंटीजर टाइप क्वेश्चन और इसमें ना आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा वाह आई वुड से दिस वाज अ ब्यूटीफुली सेट क्वेश्चन यू नो डेफिनेटली दिस इज अ नाइस क्वेश्चन अभी क्लास में सॉल्व कर लिया था एग्जाम में दे सकता मैं टू बैड I should have, you know, we shouldn't have discussed, you know, it has to be constant. Constant change, okay, they don't care. अरे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल पैकेज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये शायद से हम डिटरमिनेंट्स के बाद कर चुके हैं राइट सो वेरी 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 नाइस क्वेश्चन दिस इज इसके ऊपर दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगा ठीक है This would be question number? Seven. Hello? If x2, x, x square, x6, x, x6 is equal to अच्छा तो बेसिकली क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है क्या ये डिटरमिनेंट एक पॉलिनोमियल है ना इसका डिग्री कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ये देखिए जब आप इसको एक्सपैंड करोगे मान लो अलोंग फर्स्ट रो x इनटू x इनटू x क्यूब माने x रेस टू 4 आ रहा है हां x रेस टू 4 आ रहा है तो गाइस ये जो भी पॉलीनोमियल है ये x रेस टू 4 आने वाला है ना तो यू नो यू प्रोबब्ली बी आस्क्ड हां इफ दिस इज अ पॉलीनोमियल देन फाइंड कांस्टेंट टर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा या ये ऐसे भी हो सकता था दिस इफ दिस इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू फोर बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इट कुड बी दिस एज वेल बट गाइस रिमेंबर जब कोई डिटरमिनेंट ऐसा होता है तो जनरली यू नो आपको एक फील आना चाहिए कि यार इसमें डिग्री क्या होने वाला है ठीक है अच्छा अब क्वेश्चन ये है एक्सेलेंट क्वेश्चन ये सारे ई का वैल्यू निकालना है विदाउट एक्सपैंडिंग D की वैल्यू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यू आई वोंट बी आंसरिंग एनीथिंग ये आप लोगों को ही आंसर करना है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है माई बेट वुड बी 1, 2, 3, 4 वुड बी इजी फॉर यू 1, 2, 3, 4 वुड बी इजी फॉर यू लेकिन फिफ्थ में शायद से मुझे आप लोगों को हेल्प करना होगा मे बी
some nice questions here. Most of them are already asked in advance. These are advanced or mains questions. They are all advanced and mains questions. Let's have a look at question number 7. I think we already have answer to E. So guys, ये देखिए, irrelevant है. Naturally, what we do is कि इसको expand करके आप answer बता सकते हो. ठीक है, इतना complicated भी नहीं है. But the point here is कि what if the determinant were complicated? उसमें बहुत complicated expressions है, addition में है, subtraction में है, etc. etc. Then you probably wouldn't be direct expanding it. Wouldn't be expanding it directly. ठीक है? अच्छा. तो ये बताइए कि E कैसे फाइंड करें. वेरी गुड. तो गाइस आपने नोटिस किया है, आप एक काम कर सकते हो, लेट दिस बी एफ ऑफ एक्स, ऐसे ले सकते हो. व्हाई नॉट, इज इट, आप इसको एफ ऑफ एक्स ले सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है. तो गाइस E का मतलब कांस्टेंट टर्म है. E का मतलब कांस्टेंट टर्म है. तो गाइस अगर आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड करना होता तो सिंपली पुट एक्स जीरो, एज सिंपल एज दैट. अच्छा, तो ये क्वेश्चन में you already have answer to constant term. We simply put x is equal to 0. तो ये वाला हो गया. इसका मतलब ये homework question है. ये भी homework है ना? We won't be discussing the whole thing. तो e का मतलब simply f of 0. How do you find coefficient of x? Very nice. Very good. क्या पढ़ गया है क्या? अच्छा, तो guys remember, आपने note. Yes. Exactly. अब बोल, ये differentiation में क्यों कर रहे हैं? There is a reason why we are doing it in differentiation. So guys remember, अगर आप इसको एक बार derive करोगे, तो देखते कि इसका expression कैसे दिखेगा, है ना? फिर देखते कि क्या आएगा? ax raise to 4 का 4a x cube plus 3b x square plus 2c x plus d. You see, derive किया तो d constant बन गया. और d चाहिए. इसका मतलब simply derivative में जीरो, माने आंसर इज सिंपली f डैश ऑफ जीरो. एंड अगर आपको d का वैल्यू निकालना है तो सिंपली डिराइव करिए, फिर x की जगह पुट जीरो पुट करिए. अच्छा, डिराइव का मतलब इसको करना है आपको, वाइज डिटरमिनेंट को करना है ना. हां, डिटरमिनेंट को करते वक्त हाउ टू डिराइव x का, जो भी आप शायद से इसमें x वगैरह है तो जीरो डालने पर मोस्टली बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे शायद से. डिराइवेटिव हम रोज या कॉलम्स फर्क नहीं पड़ता है ना. I don't think it makes much of a difference. है ना, ठीक है, इतना तो हमने कर लिया already. ये बड़ा interesting है, this is nice. Very good. Everyone, awesome. क्योंकि सारे questions का sum, ये अपन binomial में use करेंगे. किसी भी expansion में, अगर आपको सारे questions का sum find करना होता ना, simply variable की जगह 1 डालो. बहुत ही important point है. Simply put x 1. देखो आपको मिलेगा a plus b plus c plus d plus e. यहाँ भी 1 डालिए, आपको answer मिल जाएगा f of 1. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैंने एफ डैश ऑफ एक्स निकाल फाइंड किया हुआ. फिफ्थ इज गोइंग टू बी पक्का 1, 2 और 3. श्योर है? कैसे इसको? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी. अगर आपको 3 यूज करना है, आपको किसकी जरूरत है? डी. चलो डी ले लेते हैं. प्लस डी किया तो माइनस डी भी तो करना पड़ेगा. और ये प्लस ई है, एक काम करते हैं इसको प्लस ई प्लस ई. तो ये जो है, ये है एफ ऑफ 1 और ई इज एफ ऑफ और डी इज, दैट्स इट.
वेरी गुड ऑसम. अच्छा तो फिफ्थ में भी मेरा जरूरत नहीं पड़ा. वेरी गुड. तो अल्टीमेटली द आंसर इज आंसर टू दिस इज एफ ऑफ वन. करेक्ट. एफ ऑफ वन प्लस ई इज एफ डैश सॉरी एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो. वेरी गुड. गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बहुत माने बहुत. अब पीछे जाकर डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे किया था. इफ यू कुड इफ यू रिकॉल मैंने जरूर किया था. ए एक्स प्लस बी का एक क्वेश्चन था शायद से. बट एनीवे आई वुड से एक्सेलेंट. तो अगर आपको कांस्टेंट टर्म पूछा गया है तो डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो. अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा गया है तो व्हाट इज लर्निंग फ्रॉम दिस. इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या करने का, इसको एक बार डिराइव करने का फिर एक्स की जगह जीरो. और ये हम एओडी में यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है. वेरी वेरी. तो ये कर लो क्या होमवर्क पक्का श्योर है. अच्छा नाइन्थ भी हो जाएगा. नाइन्थ में क्या करें. अच्छा गाइस ये पी है ना. ये पी है. व्हाट डू वी डू इन नाइन्थ. ये सिक्स. इट्स ऑब्वियस है ना. डी क्यू बोला होना है. कितने बार डिराइव करना है. तीन बार अलोंग रो ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है यहाँ. तो डायरेक्ट एक बार डिराइव करो फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड फिर इसके बाद डालो जीरो. अरे हाँ एक्स क्यूब का तीन बार डिराइव करने से क्या आएगा देखो. एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स एंड देन सिक्स. साइन एक्स को एक बार डिराइव किया. कॉस एक्स फिर से डिराइव किया. माइनस साइन एक्स फिर से डिराइव किया. जीरो डालने पर कॉस साइन बनेगा तो जीरो. मुझे लगता है ये आइडेंटिकल होने वाला है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना इसकी आंसर प्रोबेबली कम्स आउट जीरो. इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी. अरे कर लिया बढ़िया. फिर भी होमवर्क है ना. स्टेप्स आपको करना है. टेंथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. टेंथ पता है क्या यही क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन मैट्रिसेस. मैट्रिसेस के वक्त हमने स्किप किया था. तो गाइस यू कुड फाइंड दिस क्वेश्चन इन मैट्रिसेस है ना. जितने भी क्वेश्चन मैंने बोला था कि बाद में करो करेंगे. हाँ अभी करेंगे वो. तो गाइस वेरी सिंपल ऐसे कुछ था. ये फाई ऑफ एक्स था तो क्वेश्चन मे बी ए ऑफ एक्स ऐसा कुछ तो था क्वेश्चन ये था. लेकिन ना वो मैट्रिक्स था मैट्रिसेस था तो वो मैट्रिक्स था. इसके बाद ही वाज आस्किंग अस टू फाइंड उन्होंने इसको ना ए ऑफ एक्स करके नाम दिया था. ठीक है. तो फिर उन्होंने डिटरमाइन किया था कि बी ऑफ एक्स इज है ना बी ऑफ एक्स इज डिटरमिनेंट ए ऑफ एक्स इनटू ए ऑफ एक्स का ट्रांसपोज ऐसा कुछ था. हाँ एक्सेलेंट क्वेश्चन है ना. अच्छा तो गाइस ये इतना अच्छा क्वेश्चन ही है यू नो. मैं तो फिदा हो गया था ये क्वेश्चन देख के है ना. अच्छा ये देखिए ए ऑफ एक्स तो मैट्रिक्स है लेकिन आप फाइंड करना चाहते हैं आपने उसको डिटरमिनेंट अप्लाई किया. ठीक है. तो ये देखिए कि डिटरमिनेंट ए बी क्या प्रॉपर्टी था. डिटरमिनेंट ए बी इज बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी. क्या प्रॉपर्टी था. ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ये प्रॉपर्टी था क्या. अच्छा और ये मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज है क्या वो दोनों सेम नहीं होते. अरे ये दोनों सेम इसका मतलब दिस एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स का स्क्वायर है. और क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट बी ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल. बस हमेशा याद रखिए कोई भी फंक्शन को अगर आपको कांस्टेंट प्रूव करना है उसको उसको डिराइव करना है आपको. वेरी गुड. इसको डिराइव करना है तो हम बी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे. इसका डेरिवेटिव पहले कौन डिराइव होगा. टू माने टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव माने इसका डेरिवेटिव. चलो अब आगे हम वापस है ना. इसका डेरिवेटिव अब देखिए इसका इसको डिराइव करना है ना. और गाइस रिमेंबर यदि कहा गया हाँ यदि ये जीरो हो गया कौन सा क्या था डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स जीरो हो गया. डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया माने बी डैश ऑफ एक्स इज जीरो. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है इसका मतलब वो कांस्टेंट पॉलीनोमियल है हां. अच्छा यहां पे गाइस आई गिव यू अ मिनट नॉट अ मिनट 20 सेकंड्स लेकर ये देखिए डिग्री सोचो. आई गिव यू 20 सेकंड्स क्या सोचते हो.
इसको डिराइव करना है। अच्छा अपना क्वेश्चन में भी क्या प्रूव करना है कि a of x कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे a of x को डिराइव करेंगे एंड इट शुड कम आउट क्योंकि कांस्टेंट का जीरो होता है। अगर डेरिवेटिव जीरो होगा इसका मतलब a of x हैज टू बी कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कैसे डिराइव करेंगे रोज की कॉलम्स। अच्छा ये देखिए जब हम फर्स्ट को डिराइव करते हैं इट बिकम्स आइडेंटिकल टू, माने फर्स्ट टर्म इज जीरो, सेकंड टर्म क्या होता है हम इसमें किसको डिराइव करते हैं सेकेंड को डिराइव करता है, तो सेकेंड का डेरिवेटिव टू थर्ड। ऑसम अभी सिर्फ बचेगा कौन थर्ड वाला, आया समझ में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये एफ जी जो वो सारे सेकेंड डिग्री पॉलीनोमियल है। तो मैं काम करूंगा मैं ऐसे कंसिडर करूंगा ए एक्स क्यूब, मान लो ए किसी एफ ऑफ एक्स इज सॉरी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको एक बार डिराइव किया f डैश बिकम्स 2ax, f डबल डैश बिकम्स f ट्रिपल डैश बिकम्स, हाँ तो गाइस रिमेंबर आपने फर्स्ट सॉरी तीन टर्म्स होते हैं इसमें, पहला टर्म तो जीरो हो गया क्यों आइडेंटिकल की वजह से है ना, पहला टर्म वन टू आइडेंटिकल, दूसरा डिटरमिनेंट में सेकंड थर्ड आइडेंटिकल, तीसरा डिटरमिनेंट में गाइस रिमेंबर ये ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जब आप तीन बार डिराइव करते हो तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली जीरो ही होगा, तो जीरो 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 अल्टीमेटली ए डैश ऑफ एक्स कम्स आउट जीरो। इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल। वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। अब देखो मैट्रिसेस वाला भी प्रूव हो गया, चलो तो आपको मैट्रिसेस वाला वर्कशीट ओपन करना है, टिक मार्क करना है, ठीक है। अच्छा पूछा गया था कि b of x, अच्छा क्वेश्चन ये नहीं था कि b of x कांस्टेंट प्रूव करिए, उसमें था b of x इज पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 3 4 0 आंसर इज। और भी कुछ क्वेश्चन थे लेकिन अपना वर्कशीट में है वो आप लोग कर सकते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब डालते हैं हम छोटा सा टॉपिक राइट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वेशन। अच्छा सॉरी और सॉरी राइट फंक्शन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, फंक्शन इक्वेशन बेस्ड हम एक या दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फंक्शन इक्वेशन में क्या याद है अपने को, व्हाट इज इट दैट यू रिमेंबर, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस थे जैसे कि फंक्शन इक्वेशन का मतलब फंक्शन को छुपा के देना। इसमें एक था दो बहुत इंपॉर्टेंट है यार जो अपना पेपर में भी आ चुके हैं, एफ ऑफ वन बाई एक्स होता है एफ ऑफ एक्स भी होता है, एफ ऑफ वन बाई एक्स और एफ ऑफ एक्स भी होता है उसमें। तो रिमेंबर हम क्या करते हैं उसमें, हाउ डू यू फाइंड एफ ऑफ एक्स इन दैट केस, वी सिंपली रिप्लेस एक्स बाय वन बाई एक्स, तो अपने को ना दो इक्वेशन मिल जाएंगे है ना। तो यहाँ हम एक भी क्वेश्चन नहीं करते, दोनों भी होमवर्क के लिए दे दूंगा ठीक है, अपने को और कवर करना है। क्वेश्चन लिख दूंगा मैं यहाँ ठीक है, फंक्शन इक्वेशन बेस्ड पहला क्वेश्चन, इफ फाइव एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू, so what do we know the logic to this question, right? What do we do, I replace x by 1 by x, function equation nikalo, fir aapne notice kiya ki aapko y ko derive karna hai lekin jo f of x milega usko pehle aapko
हाँ तो हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स में नीचे में कोई एक्स हो, है ना, इसलिए उन्होंने एक्स इन टू को बिट दिया है। ठीक है, सेकेंड इज यू नो द नाइस क्वेश्चन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज वर्थ डिस्कसिंग। इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, लेट्स कीप दिस इन माइंड, शायद से कुछ माइंड में आ गया होगा आपको, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद होता है, बट लेट्स कीप इन माइंड, एंड एफ ऑफ वन इज थ्री, you know this is you know question just got very interesting, huh? And अरे ये comma है बीच में, and h of x is f of x, then f dash of one is question mark, this is words for you, second question is words for you, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद होता है e रेस्ट टू एक्स, लेकिन e रेस्ट टू वन तो e होना चाहिए, बट एफ ऑफ जीरो इज जीरो देन इन दैट केस, बट एफ ऑफ वन थ्री है, हाँ दैट वाज अ नाइस केस, एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एक और केस में होता है अगर वो कांस्टेंट फंक्शन, यदि f of x खुद 0 है हमेशा, हाँ नाइस, लेकिन यहाँ f of x 1 है, एक्सपैंड करो, सिंपल सिंपल हिंट, यू जस्ट नीड टू एक्सपैंड यू नो आवर थॉट प्रोसेस, क्या सिर्फ e रेज़ टू x का ही होता है, वेरी गुड, इनटू कोई नंबर भी तो हो सकता, हाँ वेरी नाइस, तो गाइस f dash of x, f of x, e raise to x का तो होता ही है, लेकिन it doesn't have to be just e raise to x, it could be k, exactly, that's exactly why we are discussing this question, अब वो k कैसे ढूंढेंगे, using this condition, कोई initial condition दे रखा है, इसका मतलब पक्का उसमें कोई ना कोई constant होगा, ये हम शायद से differential equations के वक्त किया था, ऐसे kind of questions, अब बताइए f of x क्या होगा, चलो जल्दी निकालो, f of 1 should have been e raised to e है इसका मतलब शायद से 3 by e, हाँ very good, 3 by e into e raised to x, है ना, हाँ I think yes I think you know your this should come out 3 by e into e raised to x, हाँ चलो अभी आपको क्या find करना है, composite फिर इसका derivative आप फिर, this is like you know best package question, very nice question this is, this has to be h dash of one guys, तो गाइस f dash of x f of x का मतलब f of x is k e raised to x, है ना, k e raised to x, now f of 1 is k into e, it is given to be 3, तो k is 3 by e, therefore f of x is 3 by e into e raised to x, अपने को find करना है h of x, which is f of x, माने f में 3 by e का पावर x डालना है, f of x, हाँ, f में जहां जहां x है वहां 3 by e का पावर x, इसे एकदम अजीब सा क्वेश्चन है,
एंड इसको डिराइव करना है आपको, ओके एच डैश ऑफ एक्स। ये देखिए ये 3/e वैसे के वैसे ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू समथिंग इन टू नीचे में अभी डिराइव करते हैं हम इसको, है ना। तो 3/e ई रेस टू का ई रेस टू एक्स इज इट व्हाट वी गेट। अभी एक्स के लिए क्या डालना है, 1 डालना है। एक्स के लिए 1 डालने पर ये कितना होगा, ई ई कटेगा है ना, ई क्यूब कटेगा e स्क्वायर, सही है क्या, 9 e स्क्वायर। अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बाकी है, दैट वॉज योर फंक्शन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा तो हम तो ऑलरेडी फंक्शन इक्वेशन क्वेश्चन कर चुके हैं फंक्शन के बाद, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन देयर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स वाई वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो फंक्शन इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा था, एक्स 1 - x, वी रिप्लेस एक्स बाई 1 - x, है ना। और वो जो चार इंपॉर्टेंट फंक्शन इक्वेशन टाइप्स है, रिमेंबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एडिशन टू मल्टीप्लीकेशन टू एंड मल्टीप्लीकेशन टू, हाँ गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज यू नो जस्ट गो थ्रू दोस एनीवे, ठीक है। अब आते हैं हम राइट ऑन मिसलेनियस टाइप, डोंट आस्क मी स्पेलिंग, जस्ट लाइक मिस या मिस्क, है ना, क्योंकि स्पेलिंग में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी वैष्णव भी नोट्स वैष्णव होते स्पेलिंग, क्योंकि यार ये व्हाट्सएप का जमाना है ना, कोई लिखता मिसलेनियस कोई लिखता है क्या, और अपना मदद ले तो गूगल तो है ही, है ना आजकल तो यू नो क्या क्या शॉर्टकट है, अरे हाँ बहुत सारे शॉर्टकट, देखो अभी याद नहीं आ रहा लेकिन हाँ व्हाट्सएप का जमाना है तो कोई स्पेलिंग पता नहीं, सभी लोग भूल गए होंगे, है ना। चलो मिस बेस, है ना, ये देखिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुके हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट राइट ऑन इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एफ डैश ऑफ 1 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ f dash of 1 and f double dash of 3. Second, then find f of x and g of x. Excellent questions. अब ये देखिए मुझे तो यहाँ doubt आ रहा है कि ये f dash of x से की क्या है, I don't know. Maybe this could be f dash of 1, f double dash of 1, है ना, देखते हैं। आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सेलेंट क्वेश्चन है, ही इज आस्किंग अस टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, अरे एफ ऑफ एक्स तो है ना आपके पास, एफ ऑफ एक्स तो है आपके पास, हाँ एफ डैश ऑफ 1 वगैरह वो नहीं होना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक वी ये एफ डैश ऑफ 1 का मतलब ये कोई फंक्शन है क्या,
है ना, पक्का श्योर है? यस, वेरी गुड. वन ऑफ योर सीनियर्स ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, आयुषी, आई मीन शी ऑल्सो इज द सेम थिंग. डिराइव करो फिर वैल्यूज डालो. तो व्हाट आई वुड डू इज, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, लेट दिस बी इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, लेट दिस बी इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, लेट दिस बी इक्वल टू सी. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स एक्चुअली? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इज़ इट? अच्छा, नाउ यू सी, अब इसको डिराइव करेंगे. क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ वन ए होता है. चलो एफ डैश ऑफ एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी. एफ डबल डैश ऑफ एक्स 6x plus 2a. F triple dash of x 6. Interesting. इसका मतलब clearly you see, यहाँ से f triple dash of 3, f triple dash of 3 is 6, which is c. सही है क्या? देखो c का value मिल गया. अब आते हैं f double dash पे. F double dash के बारे में क्या दिया गया है? कि f double dash of 2, इसमें 2 रखेंगे. 2l plus 2a and this is given to be b, so therefore b is equal to 2a plus 2l. Now let's keep this in mind. Similarly f dash of 1, yahan 1 rakhenge, f dash of 1 ka matlab 3 plus 2a plus b, and it is given, it is considered to be a. Mane ye b ki value yahan dalenge, isn't it? So 3 plus 2a plus b, b is 2a plus 12 is equal to k, right? So 4a minus a is 3a, is equal to minus 2k. So a is minus 5, right? A is minus 5, right? देखो a आ गया, यहाँ डालेंगे minus 10 plus 12, तो b is 2. ठीक है, अब तो f of x है अपने पास. So what would be f of x? Therefore, f of x is x cube plus a x square plus b x plus c. C की value 6. सही है? That's it. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? तो गाइस इसमें ना प्रॉब्ली यू बी आस्क्ड टू फाइंड f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ऐसे कोई आप क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चलो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? सेम पता, व्हाट डू वी डू, लेट्स g डैश ऑफ 1 बी a एंड g डैश ऑफ 2 बी b. तो f ऑफ x क्या होगा अल्टीमेटली? x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. सही है? नाउ व्हाट डू वी डू? वैसे मुझे लगता है ये f dash of 1 है, ये f dash of, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं होगा. g dash of 1, g double dash of 2, ठीक है. अरे हाँ, g of x की वैल्यू, अपने पास f of x और g of x दोनों है. वहाँ से हम एक बार यू वहाँ से हम यू नो पक्का कर लेते हैं ना, जस्ट गिव मी अ मिनट. तब तक अरे ये तो हो चुका है. अच्छा, अपना f of x जो है ना, वो है x cube minus 3x. ये तो क्वाड्रेटिक है ना. g of x है minus 3x plus 2. तो गाइस आइडिया तो है आपके पास, है ना. अच्छा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आप जब भी अपना ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब अपन इसके बारे में बात करेंगे, है ना. क्योंकि मेरा आंसर भी क्या है, f of x तो क्वाड्रेटिक है, मेरा आंसर में f of x क्यूबिक है. अरे हाँ, ये कितना है, x क्यूब माइनस 5. हाँ, ये आंसर सही है, दिस इज करेक्ट. व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग हियर?
let's take x into f dash of 1, f double dash of 1. ऐसे कंसिडर करके देखो एक बार क्या आएगा. जी में कैसे यूज करें? हाँ जी में ये लगेगा है ना, एफ ऑफ वन अकॉर्डिंग टू दिस एफ ऑफ वन इज इसमें, फिर इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस ए. तो एफ डैश ऑफ वन इज 2 प्लस ए. एफ डबल डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव, अरे हाँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो पक्का 2 ही होगा, इट डजेंट मैटर व्हाट देयर इज हियर है ना. हाँ एफ डबल डैश ऑफ वन तो 2 ही होगा, ये कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है ना. अच्छा एफ डबल डैश ऑफ वन इज 2, ये मिल गया हमने. अच्छा ठीक है, नॉट एन इश्यू. नाउ व्हाट डू वी डू? अब वी प्रॉब्ली सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, फिर जी को डिराइव करके हम यहाँ इसे कंपेयर करते हैं है ना. चलो करो, मैंने कैरी ऑन द कैलकुलेशन पार्ट. आएगा आंसर? So therefore, अपना g of x जो है वो है f of 1 1 plus a plus b into x square. Plus x into f dash of 1 is 2 plus a plus ये 2 है ना, इसको डिराइव करना पड़ेगा. 1 प्लस ए प्लस बी इंटू टू एक्स प्लस 2 प्लस ए जी डबल डैश ऑफ एक्स 2 इंटू 1 प्लस ए प्लस बी. हाँ देखो जी डबल डैश ऑफ 2 नो दिस इज इक्वल टू बी 2 प्लस 2 ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू बी 2 प्लस 2 ए प्लस बी 0 है ना. फिर जी डैश ऑफ वन, जी डैश ऑफ वन इज हाउ मच 2 प्लस 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 प्लस ए 4 प्लस 3 ए प्लस 2 बी. लेकिन जी डैश ऑफ वन को हमने ए कंसिडर किया है, दिस इज ए, अरे 4 प्लस 2 ए प्लस 2 बी इज 0. दिस इज व्हाट वी हैव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट. This minus this 2 plus b 0, b is equal to minus 2 and b minus 2. Let's put it back here. यहाँ एक कैपिटल 2 plus 2 है minus 2 0, तो a 0 आ रहा है, a 0. Ultimately, what is the f of x? F of x is x square plus a 0 hai, but yeah, plus b minus 2. F of x is x square minus 2. What about g of x? F of 1 into x square. F of 1 kaha? F of 1 kaha se mila? Yahan se mila. Hai na? Yahan se. F of 1 would be how much? A 0 hai, b minus 2 hai. A 0 B minus 2 minus है ना, तो minus x square x into f dash of 1 A 0 2x है ना plus f double dash of 1 वो तो 2 है, A 0 of x है.
ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर है राइट। तो व्हाट डू यू डू बेसिकली, यहाँ ए बी कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ वन एफ डैश ऑफ वन वगैरह वगैरह, और वो हमने जी में यूज किया है, जी में यूज किया है। हाँ क्या ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर अबाउट आंसर, तो इससे यू नो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज इन द सेंस कि आई वॉज नॉट श्योर, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स तो नहीं था जरूर, कुछ तो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर है। ठीक है, क्या आगे समझ में है ना, जी डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स वगैरह, और हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। अगर एफ ऑफ एक्स का डिग्री एन होता, एफ ऑफ एक्स का डिग्री एन होता, सो एफ डैश ऑफ एक्स का डिग्री क्या रहेगा, व्हाट वुड बी डिग्री ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स? वेरी गुड, डिग्री ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स एन माइनस टू, इज इट? अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस वॉज ऑलरेडी आस्क्ड इन यू नो एडवांस, ये एडवांस में पूछा गया था, एंड आई फील कि दिस इज वन क्वेश्चन विच दे कुड आस्क। चलो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर राइट ऑफ देन फाइंड degree of f of x second leading coefficient, very interesting question, third f of x itself, and fourth f triple dash of x. Bahut hi acha question hai, very 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 nice question. Very nice question. F of x, and he's asking us to find degree of f of x. Let n. Very good. Very good. Very good. So, कितना n की value? Three. Awesome. Very good. Very good. Right. So, f of x कोई three degree three polynomial है. Nice. राइट right? अच्छा अभी आपने बोला ऑफ कोर्स लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, एफ ऑफ एक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का कोएफिशिएंट है ना, राइट ओके। सो गाइस वी स्टार्ट विद लेट डिग्री बी एन, एफ डबल डैश का एन माइनस वन, एफ डैश का सॉरी एफ डैश का एन माइनस वन, एफ डबल डैश का और एफ ऑफ एक्स का एन,
तो गाइस व्हेन यू मल्टीप्लाई पावर्स विल बी एडेड. एक्सीलेंट पॉइंट. व्हेन यू सी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई दिस टू फर्स्ट नंबर. तो एनीवे 2n माइनस 3 इज n. तो n इज इक्वल टू 3. सिंपल. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं लेट f ऑफ x बी इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लाइक वी ऑलवेज डू है ना. ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है. नाउ यू सी अभी अपने को ये रिजल्ट इटसेल्फ यूज करना है. तो गाइस कभी कभी बात जस्ट टू कंफ्यूज अस इट वुड बी f ऑफ 2x f ऑफ 3x और समथिंग. एंड गाइस ये जितने भी हम कर रहे हैं ये हम दोबारा AOD में यूज करने वाले हैं. That is why we are solving these questions now itself. ठीक है. Anyway, f dash of x कितना होगा? 3x square, 2bx plus c. F double dash of x, 6ax plus 2b. Correct? Now, according to him, इन दोनों का multiplication is वापस f of x. अच्छा. So many terms. Into 6ax plus 2b. is equal to वापस f of x है. माने ax cube plus bx square plus cx plus b. अच्छा ये देखिए guys. Let's look at leading coefficient here. अच्छा 3 into 2 कितने terms आएंगे? 6. 18 a square x cube plus यहाँ से क्या मिलेगा आपको? इसको इससे multiply करने से 6 a b x square. फिर इनको मल्टीप्लाई करने से 12abx स्क्वायर प्लस अभी x वाले टर्म्स रह गए. अरे बाप रे यहां तो कितने टर्म्स हो चुके हैं. ये और ये इसके साथ होगा व्हाट डू वी गेट प्लस 4b स्क्वायर x प्लस 6acx प्लस 2bc. इनको क्लब किया तो अल्टीमेटली वी गेट 18 a स्क्वायर x क्यूब प्लस 6 a b प्लस 2 a b है ना. 18 a b x स्क्वायर प्लस x वाला टर्म है 4 b स्क्वायर प्लस 6 a c इनटू x प्लस 2 b c. तो ये आपका अच्छा ये LHS है और RHS के साथ कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली. तो LHS में 18 a square should be equal to a condition one. दूसरा 18 a b is equal to b. तीसरा c and the last one 2 b c is equal to d. correct. देखिए इसके हिसाब से 18 a square minus a 0 माने a into 18 a minus 1 0 either a 0 या a is 1 by 18. क्या आप लोग बताओ कि क्या a 0 हो सकता है क्या? अगर a 0 होता तो f of x का डिग्री बनेगा. हाँ लेकिन हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके डिग्री 3. इसका मतलब a के नॉट बी 0 तो a की वैल्यू फिक्स हो चुका है. a 1 by 18 है. अरे ये हमने सही किया ना पक्का चेक कर एक बार. तो ये देखिए यहाँ b कॉमन निकल रहा है एक्चुअली ना. गाइस यू नो वी लाइक इट दिस वे. यहाँ से b कॉमन लिया ना इसको इधर की तरफ शिफ्ट करके 18 a माइनस 1 0 a इज 1 बाय 18 एंड b इज 0. ये b इज ऑलवेज इक्वल टू b इज इट. तो यू थिंक b शुड एक्चुअली बी इक्वल टू r. क्योंकि a की जगह 1 by 18 रखेंगे तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है. एनीवे आगे आगे बढ़ते हैं. यहाँ देखिए a तो 1 by 18 है करेक्ट. ये b 0 के लिए भी सही है. हमने सही तो क्या नाम है. आई होप कि वी हैवंट डन एनी कमिटेड एनी मिस्टेक्स. एनीवे a तो 1 by 18 है. 4b square plus a 1 by 18 c by 3 is c. अगर b 0 होता तो c भी 0 automatically. तो d भी 0. तो f of x is only
f of x is only 1 by 18 x cube. ओके इंटरेस्टिंग. तो गाइस हमने b 0 कंसीडर कर डाला, वी हैव कंसीडर b 0 किया. लेट अस चेक वेदर आवर फंडा इज मैक्सिमम और नॉट. f of x 1 by 18 x cube है ना, तो क्या मैच हो रहा है? f of x 1 by 18 x cube है. f dash of x कितना होगा? 3 into a 6, 1 by 6 x square. और f double dash of x 6 into a 1 by 3 x square. क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से f of x आ रहा है? 1 by 3, 1 by 6, 1 by 3 आ रहा है ना? Yes, तो it is correct. तो degree is 3. Leading question के मतलब a की value which is 1 by 18. Polynomial is 1 by 18 x cube. और f triple dash of x, इसको फिर से डिराइव किया. इसको फिर से डिराइव किया 1 by 3 आएगा. f triple dash of x is 1 by 3. अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. एंड सच क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड. फोर्थ इज अगेन यू नो वन सच क्वेश्चन, वी विल कंसीडर पॉलीनोमियल. f of x is a polynomial of degree 2. तो स्टार्ट कैसे करें? How do we start? Let's correct. We won't be using small a over there. Why? क्योंकि already question में a1, a2, a3 है. So we'll consider capital A x square, capital B x, capital C. And what else is given to us? कि f of 1 is f of minus 1. Okay. We'll have to make use of that condition. We'll have to make use of that condition. What do you get if you make use of that condition? शायद से b 0 आएगा उसे, maybe b 0. b 0 आ रहा क्या? So guys, we started with f of x. ax square plus bx plus c. He did say कि f of minus 1 is f of 1. f of minus 1 का मतलब a minus b plus c. f of 1 is a plus b plus c. a कटेगा, cc कटेगा. तो 2b 0 है, मैंने b 0. मैंने अपना f of x is only ax square plus c. ठीक है, उसको क्या चाहिए? उसका derivative चाहिए. अच्छा, इसको derive कर लेते हैं. 2ax. Nice. A1, A, अरे हाँ. Excellent question है. Excellent question. अच्छा, f dash of A1 कितना होगा? 2a. F dash of A2? 2a, A2. F dash of A3? 2a, A3. दोनों में अगर A1, A2, A3, A3 में होता है, AB में होता है, 2a, A1, 2, AB. क्या इसमें भी बात क्या करें? कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट नंबर्स वुड स्टिल बी इन AB. फिफ्थ इज एक्सेलेंट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो पता है क्या, ये समवेयर अराउंड 2016 वगैरह में आता, लेकिन यही क्वेश्चन आई यूज टू मैंने एक क्लास में कर पाते थे हम ये क्वेश्चन, लेकिन ना हम सिर्फ जीरो पे कर पाते थे. लेकिन यू नो अचानक B8 में ये वाला क्वेश्चन आ गया. इट वाज अ बाउंसर. देन वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन टू दिस. अब यू नो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. डिफरेंशिएट तो करना ही है, लेकिन कितने फंक्शन थे ये? 2 का पावर 1 2 स्क्वायर, 2 क्यूब 8 होगा, 2 रेस टू 4 16 होगा, 2 रेस टू 5 32. माने 6 फंक्शन से यहां, क्योंकि ये 2:0 से स्टार्ट हो रहा है. तो छह फंक्शन का मतलब u v w x y z सब आ गया यहाँ.
सब आ गए हैं, दैट वुडंट बी अ गुड वे टू सॉल्व. जब मल्टीपल फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, लॉग, वेरी गुड. क्या हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई करके पूरा करते हैं क्या? नहीं. तो इसका डेरिवेटिव का मतलब ये वैसे की वैसे है इन टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस. लॉग ऑफ दिस का मतलब, हाँ शायद हमने क्वेश्चन किया था ये, एंड ऑन एनी टर्म्स थे वो, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एंड ऑन एक्स प्लस एन, याद है? और आपको पूछा गया था एफ डैश ऑफ जीरो, रिमेंबर? वो फैक्टोरियल कुछ आया था. अच्छा ठीक है, ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग मी. ये एक्सप्रेशन वैसे की वैसे है इन टू डेरेवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन. डेरेवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन का मतलब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है. वेरी इज लाइक लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस. अब उसको डिराइव करते हैं, डिराइव करते हैं लॉग वन प्लस एक्स का डेरेवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का 2x and so on. Ultimately we put x. ये देखिए, ये देखिए, ये expression तो है वैसे की वैसे, उसमें ये सभी के सभी zero है, माने 1 into 1 into 1 is anyway 1. Bracket में जब इसको derive किया था तो आया था 1 upon 1 plus x, वो 1 होगा. Plus जितने भी terms है सभी के, जैसे कि यहाँ x square को derive करने के बाद 2x आएगा, सारे के सारे zero हो जाएंगे, माने सिर्फ बचा answer इसका answer होगा. ऐसे करवाते थे स्टूडेंट्स को, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ गया. अब इसकी जगह 1/2 रखना है. बाप रे, 1/2 का मतलब 6 फंक्शन में आपको x की जगह 1/2 रखना है. और फिर यू नो इट गेट्स, वी गेट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज, और यू नो आंसर मैच ही नहीं करा सकते हैं. बहुत सकता, बहुत सोचा सोचा तब जाके यू नो स्ट्राइक हुआ इसका आंसर. और ये क्वेश्चन पता है कि ये 1/2 कोई बुक में नहीं है, डायरेक्ट मेन चैनल ने डाल दिया. कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है. ये देखिए, आई गिव यू सम टाइम, सोचो. मुश्किल है एक्चुअली, ये आइडिया रामन लाना मुश्किल है. माने आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये अपने आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होंगे. जैसे कि एक कॉस वाला सीरीज याद है, मल्टी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस, कॉस ए, कॉस टू ए, कॉस टू स्क्वायर ए, एंड सो ऑन. वहां हमने साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था एक बार, टू साइन ए से, तो साइन टू ए कॉस टू ए, फिर से टू से साइन फोर ए, और ऑलरेडी कॉस फोर ए है, यानी वो एक ही टर्म से मल्टीप्लाई किया ना, वो पकड़ लेगा पिछले वाला टर्म. ये देखिए, ये 1 plus x है, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करे ताकि वो क्वाड्रेटिक हो जाए, माने ऐसा कुछ आता है एक्सप्रेशन. वेरी गुड, 1 plus x को यदि आप 1 minus x से मल्टीप्लाई करते तो ये 1 minus x square होगा. देखो 1 minus x square इसके साथ तो पकड़ लेगा, और वो इसके साथ होगा, पूरा सीरीज हो गया. वो कितना कितना यू नो प्यारा सा आइडिया था यार वो. और ये आइडिया ना मैंने मुश्किल है, मैंने व्हाई वुड वी डू दैट. हाँ यू सी, दिस इज व्हाट यू नो मेंस वाले जो है ना वो लोग, आई मीन यू कुड सी हाउ यू नो हाउ देयर माइंड वर्क्स. एक्सीलेंट, आई वुड से ऑसम. तो बेसिकली जो मैंने बताया था, जीरो के लिए आप वाला फंडा कर सकते हो, लॉग वाला फंडा आप अप्लाई कर सकते हो अपन आते अपना मेथड से, माने जो लेटेस्ट वाला मेथड, y is equal to, तो गाइस हमने 1 माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सही है? तो ये 1 माइनस x, ये 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर, एंड सो ऑन, लास्ट में 1 प्लस x रेज टू 32 है, सही है? तो ये जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वी गेट 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस सीरीज. तो जहां 1 प्लस x स्क्वायर है ना, उसको ऑटोमेटिकली 1 माइनस x स्क्वायर मिलेगा सामने से. तो ये 1 minus x raised to 4 है ना, इसके बाजू में, इसके बाजू में जस्ट इसके राइट साइड में 1 plus x raised to 4 है ना. तो इसको मल्टीप्लाई किया 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 1 plus x raised to 32 बचेगा, इसके सामने कौन सा वाला टर्म आएगा? सिंपल है ना. देखो इसके लिए 1 minus x आ गया है, इसके लिए 1 minus x square आ चुका है, तो इसके लिए 1 minus x raised to 32 आएगा.
माने अल्टीमेटली y इज 1 माइनस x रेज टू 64 अपॉन 1 माइनस x. इसको डिराइव कैसे करते हैं? u by v. कचरा. अब इतना अब प्यारा क्वेश्चन था, अभी पूरा बिगड़ जाएगा इसे. अच्छा dy by dx डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस 64 x क्यूब सही है, माइनस का डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x माइनस हो अपॉन में 1 माइनस x का ओ सॉरी. अच्छा और बच गया. अच्छा ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करें, मैं एक्सपेक्ट करें ये शुड बी डायरेक्टली पुट x की जगह 1 बाय 2 थोड़ी से. अच्छा जीरो के लिए आप जानते क्या करें, जीरो डालो यहाँ, जीरो इज द इजीएस्ट, पुट x हाफ हियर 1 माइनस 1 बाय 2 सही है, माइनस 1 माइनस हाफ का पावर 64. अच्छा ये प्लस हो जाएगा राइट, अपॉन में 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, ये 1 बाय 4 ऊपर जाएगा 4 बनेगा ऊपर जाके, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस 64 हाफ का पावर 64 प्लस 1 माइनस हाफ का पावर 64. एक्सेलेंट, ये 4 अभी भी बाहर वैसे के वैसे, ये 1 वैसे के वैसे, ये कितना होगा माइनस 65 हाफ का पावर 64 करेक्ट. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 65 हाफ का पावर 63 सही है. ये 63 कैसे हुआ, हाउ डू गेट हाफ का पावर 63, 4 इंटू 1 4 4 इंटू माने 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है तो 2 2 कटेंगे यहां से है ना पक्का. अगर आपको ये समझ में आया तो ये समझ में आ ही जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगा. तो अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज मार्क करिए एंड डू आस्क मी लेटर ऑन. बस दो क्वेश्चन बाकी है मॉड फंक्शन बेस्ड है, दो तीन क्वेश्चंस कर लेते पढ़ा पाए हमें बिग बजा. अरे हाँ लुक्स लाइक यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, मे बी 5 मिनट्स है ना. अच्छा मॉड फंक्शन क्या जीरो पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं. अगर किसी मॉड फंक्शन का f डैश अगर पूछा गया है इसका मतलब पक्का वो जीरो पे तो नहीं होगा है ना. अच्छा तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं मॉड बेस्ड देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन बस आपको आइडिया मिल जाए इसका क्या आइडिया है. आपको लिखना है मॉड मॉडल मॉड एक्स बेस्ड, छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ा कुछ. ठीक है राइट, मॉड्यूलस बेस्ड है ना, जो भी टाइटल नंबर जो भी है कंटिन्यूएशन है. If y is equal to root over 1 minus sine 2x, dy by dx at at x is equal to pi by 6. Excellent question. है ना पहले ये कर लेते हैं. ये वाला एक question. दो questions. Before we do this, a very simple question. वो समझ में आ गया तो ये समझ में आएगा आपको. dy by dx of mod x at x is equal to 2.
बस यू नीड एनीथिंग एल्स, ये समझ में आ गया तो ये हो गया मॉड एक्स है। तो आपको पहले क्या करना है, मॉड को तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, पहली बात आपको मॉड को हटाना है। आपको ना गिवन मैंने कहा पता करना है, टू पे, टू पे मॉड एक्स, क्या मॉड को हटा सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ होना चाहिए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एट टू, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड एक्स इज प्लस एक्स एंड आंसर इज सिंपली, ये समझ में आ गया तो वो हो जाएगा। अच्छा मोर ओवर, मोर ओवर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? हाँ बस गाइस ये छुपा के पूछा उन्होंने क्वेश्चन कहा, ठीक है जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्या वन माइनस साइन टू एक्स का हम कितने बार नहीं किया, वन माइनस साइन टू एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स, हम क्या करते थे, हम इनको कैंसिल आउट करते थे, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा गाइस डू वन थिंग, ये पाई बाय सिक्स लिख चुके क्या, मेक इट, ठीक है लिख 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 एक, अच्छा ये एट पाई बाय सिक्स, दूसरा एक और क्वेश्चन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, दो क्वेश्चन माने है। अच्छा तो ये देखिए बेसिकली ये सही है, इसके लिए सही है ये वाला, क्यों? क्योंकि रिमेंबर एक्चुअली में ये स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है, इट शुड हैव बीन मॉड, है ना। पाई बाय सिक्स का मतलब एक्स पाई बाय फोर से छोटा है, एक्स पाई बाय फोर से छोटा है, जब एक्स पाई बाय फोर से छोटा होता है कॉस बड़ा होता है, वेरी गुड, बस मैं यही सुनना चाहता था, नाइस है ना। कॉस साइन एक्स से बड़ा है माने ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब ये वैसे ही वैसे खुलेगा, किसके लिए, पाई बाय सिक्स के लिए, एट पाई बाय सिक्स, तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पुट पाई बाय सिक्स हियर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाय सिक्स आंसर इज सिंपली माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू, ये आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए अगर इफ यू वांट टू फाइंड एट पाई बाय टू, एट पाई बाय टू देखिए पाई बाय टू पे साइन ऊपर होता है कॉस नीचे होता है, तो साइन इससे बड़ा है, तो अब वो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ दैट, माइनस ऑफ कॉस माइनस साइन। अब इसको डिराइव करिए, अब इट शुड बी माइनस ऑफ कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, मैंने बेसिकली दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनडायरेक्टली। अब पुट पाई बाय टू, हाउ मच वी गेट, इज वन, दैट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये अभी भी लर्न नहीं हुआ है इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, हम बहुत पहले से क्वाड्रेटिक से करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक से, और ये डेफिनेट में हम जरूर यूज करेंगे, डेफिनेट में, ठीक है। अच्छा इसके बारे में सोचो, जनरली ना ये रूट में दे रखा है, इसका मतलब अंदर वाला एक्सप्रेशन पक्का पक्का किसी का स्क्वायर होगा, पक्का 100% श्योर है, इट हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर, बस आपको ये पता करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस 2 tan into sec, अरे हाँ इनविटेशन है, इट्स लाइक 2ab वाला टर्म देखो, इतना प्यार से दिया उन्होंने 2ab का, 2ab का मतलब एक तो tan square चाहिए, एक 2 tan into tan, 2 tan square, अरे दो नहीं चाहिए एक ही चाहिए, उसको क्या किया हमने, और ये 1 प्लस 8 tan square x becomes, हाँ तो मैं एक दो स्टेप लिख दूंगा यहाँ, so guys this is what we should get, 1 plus 2 tan x into secant x plus 2 tan square x, ठीक है। so हमने क्या किया, ये 2 tan square x को लिख दिया, tan square plus tan square, और ये 1 plus tan square x बन गया secant square x,
प्लस ये है टू सेकेंट एक्स टैन एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स, है ना, एक टैन स्क्वायर एक्स तो बचेगा ये वाला, तो नाउ दिस इज नथिंग बट सेकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर है और ये रूट के अंदर. मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे डू दिस एंड दे ओनली राइट सेकेंट एक्स प्लस टैन एक्स. सही की गलत, गलत क्योंकि मेंस क्वेश्चन है एंड मोर ओवर एक्स की वैल्यू दे रखा है, अरे कहां था 3 पाई का. सो द क्लियरली व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू, आपको फील करना है कि यार कैसा क्वांटिटी है, देखते हैं tan 3 ये तो नेगेटिव है पक्का, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड भी नेगेटिव, हां ये देखो इसका मतलब y एक्चुअली में माइनस ऑफ sec + tan है. आगे समझ में राइट, चलिए इसको डिराइव करते हैं. इट इज फॉर्मेलिटी नाउ dy / dx दैट्स इट. अगर ये फंडा समझ में आ गया तो मॉड वाले आप जीत जाओगे कैसे भी करके. सेकंड का सेकंड * tan प्लस टैन का सीएम स्क्वायर एक्स. अभी क्या रखना है, 3 बाय 4 डालना है. 3 बाय 4 डालने पर कितना होगा, माइनस ऑफ सेकेंड 3 बाय 4 कितना होता है, माइनस रूट टू. सही है क्या, ये माइनस रूट टू, ये माइनस वन और ये माइनस रूट टू का स्क्वायर 2, 2 प्लस रूट टू का माइनस. दिस इज द आंसर. So I think we are, you know, done with differentiation finally. तो कहाँ से शुरू किया हमने, बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू किया है हमने, कोई जरूरत नहीं उसका, कोई लेने देना नहीं है, भूल जाओ उसको, सारे बेसिक फॉर्मूले. फिर प्रोडक्ट रूल, चेन क्वेश्चन रूल, फिर चेन रूल. चेन रूल से असली 12 डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, उसके बाद इमीडिएटली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर इम्प्लिसिट, फिर पैरामेट्रिक, फिर हायर ऑर्डर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड फंक्शनल इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस, फिर बेस्ड ऑन मॉड फंक्शन, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना. तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो गाइस एओडी इज ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा रहा तो एओडी विल फाइंड इट इजी, अदरवाइज एओडी आपको मुश्किल जाएगा. ठीक है, सो एनीवे वी स्टॉप हियर. ठीक है.